व्यवहार न्यायालय में ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एम आर शाह ने ऑनलाइन माध्यम से किया। इस दौरान पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, बक्सर व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजनी कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धर्मेंद्र कुमार तिवारी, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बबन सिंह, सचिव बिंदेश्वरी पांडे समेत तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। बताया गया कि ई सेवा केंद्र से आगंतुकों तथा अधिवक्ताओं को हर वह जानकारी मिल सकेगी जिसके लिए उन्हें न्यायालयों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब महज एक मेल कर देने से उन्हें सारी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ई सेवा में इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। मेल से अगर आप कोई क्यूरी करते हैं, ईमेल आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। सारे एडवोकेट्स को लेकर एजेंट्स को अगर आप वहाँ पर कोई क्यूरी करते हैं तो आपकी क्यूरी को रिसॉल्व किया जाएगा जी। सेकंड यहाँ पर यह है कि आपको ई असिस्टेंस दिया जाएगा। ईमेल के थ्रू जो भी होगा, आप सॉफ्ट कॉपी अगर मांगेंगे तो सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। केस के रिगार्डिंग इंक्वायरी होगा, नेक्स्ट डेट किस कोर्ट में है तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जजेस अगर लीव पर हैं तो उनका इंचार्ज कौन है ये भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा जी। इसके बाद एक ऐप आता है, उस ऐप के बारे में डाउनलोड से रिलेटेड आपको जितनी भी मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए या हेल्प चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा जी। और बाकी जो छोटा मोटा क्यूरीज होता है केस से रिलेटेड, कि ट्रांसफर हो गया, किस स्टेज पे चल रहा केस, मतलब कि कौन अफेयर हुआ है, कोई नहीं हुआ है, वो यहाँ पे होगा। और सारे ई सर्विस यहाँ पे इस टाइप का प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है। फ्यूचर में और भी एडिशनल सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड, फाइलिंग वाइलिंग का भी सुविधा है यहाँ। अभी फाइलिंग के बारे में सोचा नहीं गया है, हो सकता है अगर ऐसा आए कि फाइलिंग यहाँ पे मतलब स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पे फाइलिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपका परिचय? हम अभी ई सर्विस सेंटर के इंचार्ज क्लर्क हैं। नाम क्या हुआ? नाम मोहम्मद जिशान रजा।